भाई साहब आपका नाम क्या है? छगन लाल बारूपाल स्नोब श्री गौर खराम बारूपाल गांव भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। ठीक है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप और आपके लिए लेके आऊँ सरसों काटने वाली रीपर का वीडियो। पहले आप इसका रिजल्ट देखें, क्योंकि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो मशीनरी खरीदने जा रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम वीडियो देख रहे हैं, उसमें उसका रिजल्ट कैसा है, उसका कार्य कैसा है। तो कार्य पहले आप सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, उसके बाद अपने ट्रैक्टर की, रीपर की, डीजल की, इनकम की बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं। तो पहले आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट, पहली एक लाइन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हम अगली लाइन फिर देखेंगे, आपको दो से तीन लाइनें चला के दिखाएंगे ताकि आप इसका लाइव वीडियो में इसका रिजल्ट देख सकें कैसा है। उसके बाद अपने चर्चा करेंगे कि रीपर कहाँ से आई है, हालांकि संगम रीपर आगे लिखा हुआ है, और कहाँ से रीपर है, क्या कुछ है, सारी हम किसान भाई से जानेंगे। क्या इसमें इनकम हो सकती है, क्या इसमें मुनाफा हो सकता है, साल भर में कितनी कमाई कर सकते हैं, जहाँ अपने इसको रखनी चाहें वहाँ रख सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ भी करनी चाहें अपने कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सरसों की साथ के साथ एक शानदार लाइनिंग लगी जा रही है, और इस तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ मंडलियाँ इधर लगी पड़ी हैं, और इस तरह से आप इसको काट के मंडलियाँ लगा सकते हैं। सुखाना चाहें तो आप इसे इस तरह से सुखा भी सकते हैं। तो किसान भाई भी यहाँ हमारे पास आज खड़े हैं, जिनसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अपना कार्य करवाया है और आगे वेटिंग में पड़े हैं अपना काम करवाने के लिए कि भाई पहले मेरे चल मेरे चल, क्योंकि सरसों सूख रही है, सीज़न जा रहा है। तो एक राउंड अपने एक इसका और ले लेते हैं, और उसके बाद अपने रिपर भी आपको दिखाएंगे और किसान भाई का इंटरव्यू भी लेंगे कि ये कैसे कार्य करेगी। वीडियो आपके लिए लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं। तो साथियों, सरसों का वाया है वो लंबा कम होने के कारण ट्रैक्टर को बेग घुमाया जा रहा है, अन्यथा अपने चारों तरफ इसको गोल घेरे के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। और सरसों जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी गिरी हुई है, यानी कि जो भयंकर गिरी हुई है वो शायद नहीं काट पाएंगे, पर मैं आपको बता दूं पहले से, जो गिरी हुई है वो नहीं काट पाएगी, लेकिन जो खड़ी सरसों है वो प्रॉपर, जैसे कि आप रिजल्ट देखें इसका, प्रॉपर तरीके से कार्य कर पाएगी। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका, पहले आप रिजल्ट देख लें, A1 शानदार रिजल्ट है, और बिल्कुल ज़मीन के सटा के काटेगी। अगर आपने सटा के काटना है, अगर आपने ऊपर काटना है तो ऊपर काटेगी, जैसे आप काटना चाहें काट सकती है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अब अपने बात कर लेते हैं इस रिपर के बारे में कि ये रिपर बनी हुई कहाँ की है, इसकी कीमत क्या है, इसकी गारंटी वारंटी क्या कुछ है। हड़ी बंद कर दो, नीचे ना गिरियो, हड़ी बंद कर दो। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रीपर जो है संगम रीपर है, पंजाब इंडिया की बनी हुई। तो कहाँ की बनी हुई है संगम रीपर, कहाँ का ब्रांड, कहाँ का है, वो भी अपने किसान भाई से पूछेंगे और चर्चा करेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिरकियाँ लगी हैं और 3 पट्टे लगे। भाई साहब आपका स्वागत है, और आप मेरे को ये बताओ आप ये रीपर लेके कहाँ से आए हो? मानसा मंडी। मानसा मंडी, कौन से मिस्त्री से लेके आए हो? संगम वाला, संगम मिस्त्री, संगम मिस्त्री। तो साथियों ये मानसा मिस्त्री हैं जी, संगम से, वहाँ संगम मिस्त्री है मानसा पंजाब मंडी से, अगर आप इस तरह की रिपर लेना चाहो तो। भाई साहब वहाँ तो बहुत कंपनियाँ हैं मानसा में रिपर की, क्योंकि बात करूँ राजस्थान पंजाब हरियाणा क्षेत्र की, तो सबसे फेमस मंडी रिपर की मानसा ही, मानसा मंडी तो है। आपने बाकी सबको छोड़ के संगम मिस्त्री की मशीन क्यों ली, इसका रीज़न क्या रहा? इसका इस मशीन में ऐसा क्या है कि आपको ये अच्छी लगी? इसका रीज़न ये तो बढ़िया चलती है, डबल चाल है इसमें। डबल चाल क्या होता है मेरे किसान भाइयों को ये भी आप बता दीजिए। डबल आज दिखा देता हूँ, बताइए। डबल चाल ये है, एक तो ये चाल हो गई, ठीक है। अच्छा, एक ये चाल हो गई, मतलब इसको चाल कहते हैं? हाँ, इसको चाल कहते हैं। इसका फायदा क्या है डबल चाल? इसका फायदा है आगे जो छुरियाँ लगी हुई ना, ठीक है, उसको दबाव नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, एक से चलेगी, छुरियाँ भी ज्यादा चलेगी, ठीक है, ठीक है, और उसमें बैंड नहीं होगा। हाँ ठीक है। और दूसरी चाल कहाँ है? दूसरी चाल इधर है,
दूसरी चाल है ये, ठीक है, दो डबल चाल है इसमें, ठीक है, औरों में ज्यादातर आती है वो सिंगल चाल ही है, अधिकतर जो मशीनें आती हैं वो सिंगल चाल की होती है। अच्छा, ये तीन कन्वेयर बेल्ट है, हाँ, और इस पुली का क्या फायदा, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल ही पड़ी है फिर। ये न्यूट्रल तो है, अगर फैन बेल्ट अगर बड़े आ जाए, ठीक है ठीक है, तो इसके ऊपर चढ़ जाता है। अगर फैन बेल्ट अपने लूज हो, हाँ, ढीले हो, आ जाए गलती से तो अपन इसे टाइट कर टाइट सकते हैं, ये सुविधा दी गई, ये सुविधा। अच्छा, ये तीन बेल्ट दिए, इसमें कुछ मशीनें ऐसी आती है जिनमें चार बेल्ट भी लगे होते हैं। चार बेल्ट वाली तो मतलब ऊपर आप ये सरसों बदेड़ ज्यादा है, ठीक है, तो वो कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल कर लेती, ठीक है। तो ये 6.5 फुट की आपकी सरसों होती है, तीन बेल्ट भी कवर कर रही, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कितने रुपए की खरीदी है ये? 50,000 की मैंने मानसा मंडी से खरीदी है, ठीक है, और 5,500 रुपए, 5,500 रुपए मतलब किराया ले लिया। अच्छा, 55,000 रुपए की तो आपने वहाँ से खरीदी है? 50,000 की खरीदी है, 50,000 की आपने खरीदी और 5,500 रुपए आपका किराया लग गया, किराया लग गया। तो और इसकी फिटिंग 3,000 रुपए फिटिंग है, 3,000 रुपए ये फिटिंग करवाई है। अच्छा, ये पंप आपको साथ में मिले? हाँ, पंप साथ में मिले हैं, ठीक है। इसकी कोई गारंटी भी रही है? गारंटी पंपों की, उसकी एक सीजन की है और गियर बॉक्स की है, 12 महीनों की गारंटी। अच्छा, पंप की, रिपर की, एक सीजन की गारंटी है, हाँ, और गियर बॉक्स की पूरे 12 महीने गारंटी है, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है तो। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, ये जो लिख रखा है यहाँ पे संगम एग्रीकल्चर वर्कर्स लिंक रोड नजदीक पेट्रोल पंप मानसा पंजाब, ठुटिया वाली रोड मानसा पंजाब, मिस्त्री जगजीत सिंह जग्गा, सुपुत्र मिस्त्री सुखदेव सिंह, इसी मिस्त्री से आप मतलब लेके आए? हाँ, इसी मिस्त्री। तो साथियों, अगर आप लेना चाहें तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे अधिक जानकारी भी ले सकते हैं और मशीन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मशीन का शानदार रिजल्ट है और रिजल्ट आपने वीडियो में पहले देखा है, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसलिए हमने आपको पहले इसका रिजल्ट दिखाया है। और वीडियो में जैसे आप देख पा रहे हैं, दो किसान भाई यहाँ खड़े हैं, ये इस इंतज़ार में खड़े हैं कि भाई हमारी कब काटेगा, क्योंकि किसान भाई ने काफ़ी इसका सीजन लिया है और अच्छी इनकम ली है। तो भाई साहब, आपने अभी तक कितनी सरसों काटी है? 100 बीघा काटी है अभी। और आप कितनी काट सकते हो अभी? 50-60 बीघा सरसों और कटेगी अभी तो। अच्छा, 1 बीघे कितने रुपये लेते हो? 500 रुपये लेते हैं। और एवरेज हम बात करें बचत की, तो बच कितना जाता है लगभग? लगभग टोटल निकाल के 300 रुपये बीघे का बच जाता है। 300 रुपये बीघे का बच जाता है? बच जाता है। तो सरसों में लगभग आप मान लो ये रिपर तो पूरी कर लोगे? हाँ, कर लेंगे सर। उसके बाद गेहूं जो भी काटोगे? हाँ, गेहूं जो दो दोनों भी काटे। कितने काट लोगे? कम से कम 200 बीघा से ऊपर ही कटेगा वो। तो अपने बात करें पहले सीजन में आप कितने रुपये बचा सकते हो इस मशीन से? अब देख लो, जोड़ लो, 150 सरसों कर दो, 200 कणक कर दो, ठीक है, 500 का रेट कर दो, 500 का रेट से कर दो, 300 रुपये 300 बचत हो जाए। कैलकुलेशन आप है, हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, किसान भाई ये दो अपने साथ खड़े हैं, अपने इनसे भी पूछेंगे। भाई साहब, आपको ये मशीन कैसी लगी? ठीक, बढ़िया लगी। आपने इससे पहले काम करवाया है? हाँ, करवाए। कितने बीघे आपने कटवाए हैं? 6-7 बीघे बढ़वाई। आपको रिजल्ट कैसा लगा? बढ़िया है रिजल्ट। अच्छा, आज आप दोबारा यहाँ खड़े हैं भी मेरी दोबारा काटने के लिए? हाँ, वेटिंग में खड़े हो? काटने वाले गांव में रीपर कम है, कम है, और लेबर मिल नहीं है, समस्या? हाँ, समस्या बहुत है। तो ठीक है। अच्छा, फिर ये काटने के बाद नुकसान नहीं होता इसका? नहीं होता है, नीचे कोई डांगलो पड़ता है इसमें लेते हैं। अच्छा, कोई गिर रहा है तो वो जिस तरह से अपने उठाएंगे उठा लेंगे। हाँ हाँ, उठा लेंगे। अच्छा भाई साहब, आप मेरे को ये बताओ, आपने भी इससे कटवाई है सरसों? हाँ, कटवाई है ना। कितनी कटवाई आपने? 20 बीघे। आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा? जोरदार। अच्छा, आपको रिजल्ट जोरदार लगा, आपने इससे कटवाई, अभी और कटवाने की सोच रहे हो? कटवाने की सोच रहे हैं, 50 बीघे और पड़ी है। अच्छा, 50 बीघा भी और पड़ी है। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है, आपका गांव कौन सा है? मेरा नाम है हंसराज, ठीक है, गांव में भोजेवाला, भोजेवाड़ा, तहसील सूरतगढ़। आपके खेत कहाँ कहाँ है? खेत एक तो ये मेरे पास में, रीपर खड़ी है इसके पास में, ठीक है, दूसरा खेत है? दूसरा 2-3 किलोमीटर दूर पे। मतलब सारे खेत आपके भोजेवाड़े गांव में? ठीक है। तो साथियों, इस रिपर के बारे में लगभग हमने आपको जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की है, और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पेंडिंग है तो आप मिस्त्री से संपर्क कर अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि साथियों वर्तमान समय में इस वर्ष सरसों का अभियान बहुत है, और सबसे बड़ी समस्याएं होती है सरसों के लिए लेबर की। तो लेबर की ये मशीन आपकी छुट्टी कर देगी, घंटों का मिनटों में, और मिनटों का सेकेंडों में करने वाली ये मशीन है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ड्राइवर साहब के पास और फोन आ गए और उनको कह रहे हैं बस सभी आया, अब जाएंगे किसके, ये एक अलग बात है, देखने वाली बात है कि किसान भाई ये किसके जाएंगे, दो तो पहले से खड़े हैं, तीसरे का फ़ोन आ रहा है। तो रिज़ल्ट आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सरसों भाई ये शानदार तरीके से काटी है, और अगर आप इसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो आप मेरे क्षेत्र में आके यहाँ देख सकते हो, मेरे ही गाँव में ये मशीन चल रही हैं, पास वाले गाँव में चल रही हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार की अगर वीडियो में कमियां रही हैं तो हमें ज़रूर कमियां से अवगत कराएं ताकि आने वाले समय में उनमें भी सुधार किया जा सके। और अगर हम बात कर लेते हैं हम ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर हमारे पास जो अभी ये है स्वराज 733 FE। भाई साहब आप मेरे को ये बताओ ये ट्रैक्टर रीपर में कितना डीजल ले रहा है? रीपर में डीजल ले रहा है 1 लीटर बीघे का। ठीक है, 1 लीटर बीघे का ले रहा है। तो वो 1 लीटर बीघे का आपने खेत का माना या आने जाने रस्ते? आने जाने का नहीं है, खेत का है। खेत का है, आने जाने का अगर अपने कैलकुलेशन करें तो कितना? 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। तो इस वक्त आप ट्रैक्टर भी आपने नया लिया है और रीपर भी पहली बार आपने नया लिया? हाँ, पहली बार नहीं लिया, ट्रैक्टर भी नया है। नया, इस वर्ष आप मतलब यूं है कि रीपर के पैसे पूरे कर लोगे, कुछ ट्रैक्टर के भी पूरे हो जाएंगे? ट्रैक्टर के तो नहीं होंगे, पर रीपर के करके बच जाएगा। तो साथियों को किसान भाइयों के लिए मतलब एक बेस्ट चीज है, बढ़िया। अगर वो लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं होगा, जो चलाने वाला सही होगा तो ठीक है। धन्यवाद सर आपका। तो साथियों अधिक जानकारी के लिए आप मिस्त्री से संपर्क कर सकते हैं दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर हैं उनसे, और मशीन खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।